गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें आगे पढ़ेंगे। चैप्टर नाम है मैटर इज सराउंडिंग अस। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू दी वाटर, जब वाटर को गर्म किया जाता है, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग एवन फास्टर। और जो पार्टिकल्स है वाटर के, वो क्या करना, मूविंग एक जगह से दूसरी जगह पे जाना शुरू कर देते हैं। एट ए सर्टेन टेम्परेचर, एक विशेष तापमान, ए पॉइंट इज रीच्ड व्हेन पार्टिकल हैव A point is reached when the particle have enough energy to break free from the force of attraction each other। एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जो एनर्जी उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देती, अलग कर देती। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इंटू गैस, और जो पूरा का पूरा द्रव है वो गैस में बदलना शुरू हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर नोन एज ए बॉइलिंग पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, द टेम्परेचर एट विच से लेके लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज ए बॉइलिंग पॉइंट तक करेंगे। कहाँ तक, बॉइलिंग पॉइंट तक। बॉइलिंग इज ए बक फेनोमिना, बक फेनोमिना होता है सरफेस फेनोमिना। पार्टिकल फ्रॉम द बक ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी, यानी कि लिक्विड से क्या ले लेते हैं, एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। जो सतह का है वहाँ पर से एनर्जी, क्योंकि सबसे पहले सतह गर्म होगी और उस सतह से लिक्विड के पार्टिकल्स क्या ले लेते हैं, एनर्जी, और एनर्जी लेने के बाद वो वेपर स्टेट में या गैसियस स्टेट में बदल जाते हैं। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन, और वाटर के लिए ये टेम्परेचर कितना है, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 273 के इक्वल होता है, किसके इक्वल, 273 के। अब 100 किसके हो जाएगा, 373। कैन यू डेफिनेट द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को डू इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पार्टिकल इन स्टीम, दैट इज वाट वाटर वेपर एट 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि जो स्टीम होती है, गैसियस स्टेट होती है, उसके पार्टिकल्स के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि जो गैस का टेम्परेचर है, गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से गैप में होते हैं, इसलिए पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब है गुप्त ऊष्मा जो हमें दिखाई नहीं देती। अब ये जो चार्ट बनाया है, सॉलिड स्टेट को अगर हीट करेंगे लिक्विड, लिक्विड को हीट करेंगे गैस, और गैस को दोबारा ठंडा कर देंगे, कूल कर देंगे लिक्विड, लिक्विड को कूल कर देंगे सॉलिड। सो वी इनफेयर दैट स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इन टू अ बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, पदार्थ की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदल सकते हैं जब हम उसके टेम्परेचर को चेंज करते हैं। लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस, वन अप्लीकेशन ऑफ हीट, बट दे आर, जैसे कैलविन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये पढ़ेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 273.115 केल्विन। फॉर कन्वीनियंस वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 ही मान लेते हैं, रनिंग ऑफ द डेसिमल को, राउंडिंग ऑफ को छोड़ देते हैं। टू चेंज ए टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू सेल्सियस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर एंड कन्वर्ट ए टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल टू केल्विन। अगर जी हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस दिया है कोई, उसके अंदर हमने केल्विन में बदलना है, तो हम ऐड कर देते हैं 273। आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो एक एक्टिविटी पढ़ेंगे, एक्टिविटी 1.13 पढ़ेंगे। टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, क्या लेंगे, कैम्फर लेंगे यानी कपूर लेंगे, और अमोनियम क्लोराइड जिसका फार्मूला क्या होता है, NH4Cl, अमोनियम, क्रश इट एंड इन ए चाइना डिश, इसको हम पाउडर बना लेंगे, तोड़ लेंगे। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर दी चाइना डिश, ये जैसा इसके अंदर दिखाई दिया है
यानी चाइना डिश के अंदर लेके ऊपर से हम फनल उल्टी करके इसके माउथ के ऊपर कॉटन प्लग लगा देंगे। पुट ए कॉटन प्लग ऑन स्टीम ऑफ द फनल एज शोन इन फिगर 1.7। जैसा कि फिगर 1. ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, जो कैम्फर लिया था हमने, अमोनियम क्लोराइड लिया था, वो सीधे गैस में उसके वेपर बन जाएंगे, इसके अंदर लिक्विड स्टेट नहीं बनेगी, तो इसको इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे इसको, सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन, तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए